are we going? We are going to Bakaganj. So Kerala. Where? Thanks. So Anzila? Today is which day? Remember? When is the holiday? Which is the first day of the week? Sunday. Very good. So today is Sunday. So guys, today is Sunday and Rabi, the whole family, or including Uma, the outsider. We are going to Bakaganj. हम लोग अभी बाकरगंज जा रहे हैं. बड़ी मम्मी के यहाँ. वहाँ पे हमारा invitation है. तो व्लॉग अभी से स्टार्ट किया है. अभी हम लोग गांधी मैदान पहुंच चुके हैं. आपको एक व्यू दे देते हैं गांधी मैदान का यहाँ पे. एंड वेयर इज अजलान? अजलान एंड यहाँ पे मेरा भाई है नैयर एंड अजलान है आगे. मैं दिखाती हूँ जब उतरता है तो. खत्म हो गया. सो अंजला इज शेयरिंग सो मच. गुड चाइल्ड. ये चाइल्ड कहाँ से निकला मेरे मुंह से? यू नो कॉन्वेंट का याद आ गया. कॉन्वेंट में सिस्टर्स यूज टू से गुड चाइल्ड. सो माय चाइल्ड. मास्क लगा वंदला. ओके सो गाइस अभी हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं. अभी हम लोग अशोक राजपथ में पहुंच चुके हैं. अंजिला का मास्क देखिए कितना क्यूट है. सो अंजिला यू वांट टू से समथिंग? नो. तो अभी बैठे हम लोग पप्पू चाय वाला के यहाँ जो कि KFC रीजन सिनेमा हॉल है. बिल्कुल वहीं पे लोकेटेड है पप्पू चाय वाला. और इसके बारे में बहुत सुना था तो सोचा कि चलिए आज आपको रिव्यू भी दे दिया जाए. मौका मिला हम लोग सभी लोग साथ में थे. हम लोग आप देख सकते हैं सभी सिस्टर्स भाभियाँ सब कोई साथ में हैं. हम लोग तो निम्मी थी हमारे साथ, आरशी थी, हुमा थी और अभी जो नई दुल्हन है वो भी हमारे साथ थी और डॉली भी हमारे साथ थी. तो हम लोग 6 लोग सभी पप्पू चाय वाला के यहाँ गए चाय टेस्ट करने के लिए. ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैं बता देती हूँ वहाँ का चाय के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. और वहाँ एक डिफरेंट टेस्ट था हर चीज़ों में जो हमने ऑर्डर किया था. चाय का मैं रिव्यू दे देती हूँ. चाय हालांकि मुझे मेरा पर्सनल रिव्यू ये है कि मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद आया. वो हमने ऑर्डर किया था मसाला चाय तो उन्होंने सिर्फ दूध में बनाया था. मतलब ज़रा सा भी पानी नहीं था उसमें और इट वॉज़ वेरी थिक और सिर्फ दूध में बना हुआ था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं. तो जो लोग उस टाइप का चाय पीना पसंद करते हैं वो लोग ज़रूर जा सकते हैं वहाँ. इसके साथ हमने मंगाया था पाव भाजी और फ्रेंच फ्राइज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छा था तो हम लोगों ने 2 ही मंगाया और शेयर करके खाया. तो अच्छा है गेट टुगेदर के लिए. अगर फ्रेंड्स लोग के साथ आप जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करने के लिए तो बहुत अच्छा है. आपको एक अच्छा प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिलेगा. वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है. स्टूडेंट्स लोग के लिए बहुत अच्छा है तो आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे. अगर चाय ना पसंद आए तो फ्रेंच फ्राइज ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और पाव भाजी वॉज ऑल्सो ऑसम. तो इसी के साथ ये ब्लॉग ओवर होने वाला है. और बस अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को.